वंदे मातरम पिले ताले न्यूरोहाइपोफाइसिस टा मुझे कहीदेली एक्चुअली एडेनोहाइपोफाइसिस रे तुम डाउट थिला ठीक अच्छे एडेनोहाइपोफाइसिस टा बर्तमान मुझे क्लियर कर दूँ ताले मुझे आगर कहीदेली एडेनोहाइपोफाइसिस सर्वमोट छोटा हार्मोन क्षरण होउची गोटे है तुम ग्रोथ हार्मोन जीएच बोली कह गोटे हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन पीआरएल बोली कह तृतीय रहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहुच एफएसएच आउ चतुर्थ रहला ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहुच एलएच पंचमटी हूँ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहुच टीएसएच थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन षष्ठटा हूँ एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच ताले एडिनोहाइपोफाइसिस सर्वमोट छटा हार्मोन क्षरण होउची प्रथम आम हार्मोनटा विषय जानवा से ग्रोथ हार्मोन ताले ग्रोथ रु जना पड़ुछि एहा शरीर रो वृद्धि नियंत्रण करिथाय बाल्यावस्था रे एहार क्षरण कम हेले व्यक्ति रो शरीर रे किछि क्षुद्रता देखा जाए एहा को कह जाए बामनता बामनता जदि ग्रोथ हार्मोन रो क्षरण कमी गला छोट छुआ अवस्था रे बा जतेबेले व्यक्ति बाल्यावस्था रे थाए सेतेबेले ताकु बामनता बोली कह जाए एटा होछि गोटे प्रकार हार्मोन अभाव जनित रोग छोट छोट पिला ही जाती हाइट बढ़े ना कहुए बामनता कहुए ड्वार्फिजिम बोली कहुए ड्वार्फिजिम ड्वार्फिजिम बामनता बोली कहुए जदि यार अधिक क्षरण हे ग्रोथ हार्मोन जब अधिक क्षरण है व्यक्तिर उच्चता बहुत बढ़ी जाए पाखापाखि से 8-9 फुट पर्यंत बढ़ी जाए 8-9 फुट पर्यंत उच्चता बढ़ी जाए यह भी एक प्रकार रोग होता है जहाँ को कह जाए अतिकायत्व अर्थ है शरीर बहुत बढ़ी जाए 8-9 फुट ऊंचा ही जाए से या कह जाए अतिकायत्व बा जिगांटिज्म बोली कह जाए जिगांटिज्म बोली कह जाए जिगांटिज्म बा जियांटिज्म जहाँ कही पार कह जाए जियांटिज्म रोग बोली कह जाए अतिकायत्व तापर आसवा आम प्रोलैक्टिन हार्मोन यह माँ स्तन्य ग्रंथि रे क्षीर प्रस्तुति रे सहायक होता है जिते माँ शिशु को प्रसव करिवार समय जो आसे से प्रोलैक्टिन हार्मोन आमर मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि क्षरण हुए एवं सीधा आसिकी माँ स्तन्य ग्रंथि से प्रभाव पकाए एवं क्षीर प्रस्तुति रे साहाज्य करे क्षीर तैयारी करे प्रोलैक्टिन हार्मोन तापर आस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हार्मोन कौन करे ना डिंबाशय पुटिकार वृद्धि कराए जो डिंबाशय पुटिका जो रही स्त्री लोक मानकर से डिंबाशय पुटिकार से वृद्धि करिथाय एवं परवर्ती पर्याय से डिंब सृष्टि होगा प्रक्रिया त्वरान्वित होता है तापर आसो न्यूटनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन यह डिंब उदय कराई जिते बड़े स्त्री जिते गर्भवती हेबार जिते सूचना पाए से अवस्था तार डिंब उदय होता है से डिंबाशय तार डिंबाणु जो बाहर से डिंबाणु बाहर बारे ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन साहाज्य करिथाय एवं ये आमर डिंब उदय साहाज्य करे तापर आसला थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करे ना जो आमर थायरॉक्सिन हार्मोन जो रही ये नियंत्रण करे आम जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो आमर थायरॉक्सिन हार्मोन जो आम थायरॉइड ग्रंथि जो क्षरण हुए ये कौन करे ना नियंत्रण करे थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तेणुकि तार ना हूँ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं सर्वशेष आसला एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यार काम होला एटा एड्रिनल ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए तुम्हें जानी थी वो जे आमर जो ब्रुकक रही जो दीटा ब्रुकक तुम देखुच ये दीटा ब्रुकक एमती दीटा ग्रंथि रही दीटा ग्रंथि को कह जाए आड्रेनाल ग्रंथि बोली कह जाए ब्रुकक दीटा उपर एम आड्रेनाल ग्रंथि रही आड्रेनाल ग्रंथिर क्षरण को नियंत्रण करे किए ना एसीटीएच हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये कौन कर सीधा सड़क पिट्यूटरी ग्रंथि क्षरण होगी सीधा आसिक तुम ब्रुकक जो ऊपर जो रही एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल ग्रंथि उपर प्रभाव पकेबाकू नियंत्रण करे हूँ एडेनोहाइपोफाइसिस सर्वमोट छटा हार्मोन और तार कार्य मुझे कहीदेली वंदे मातरम।